नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BCA पे। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी सुन पा रहे हैं और आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सुनाओ क्या चल रहा है। देखिए, सबसे परेशानी हो रही है लोगों को, बड़ा दिक्कत हो रहा है कि सर ऐसा कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। देखिए, एक बात है, अभी टेलीग्राम पे एक कमेंट था, मैंने उस पर कमेंट भी किया था कि ऐसा नहीं होता था कि मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा दूं और उसमें से करंट अफेयर्स पहुंच जाए, संभव ही नहीं है। पहले वाला SSC होता तो एक बार प्रेडिक्शन कर सकते थे कि हाँ कहाँ से पूछ रहा है, उस हिसाब से बता दें। आज की डेट में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के सामने से गुजारिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आप कवर करेंगे, उतना ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन के फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप कम न्यूज़ कवर करेंगे उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। UPSC की परीक्षा आपको नहीं देनी है, SSC की परीक्षा आपको देनी है, तो उसी हिसाब से पढ़िए। आज हम लोग करेंगे अवार्ड एंड ऑनर। अवार्ड एंड ऑनर में मई 2022 से लेकर जून 2023 तक हमने शामिल किया है, यानी आपको जो पढ़ने को मिलेगा उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे जून 2023 से पीछे की ओर जाएंगे मई 2022 तक। बिना कोई टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनमें से एक भी अवार्ड यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया। तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा अभी हाल ही में हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय है, महिला तो हो ही जाएंगी अपने हिसाब से। 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सूरीनाम। सूरीनाम ये है, आप देख सकते हैं सूरीनाम यहाँ पर है। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। बगल में आपको गुयाना मिलेगा, उसके बगल में फ्रेंच गुयाना मिलेगा। अगला सवाल, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीदरलैंड द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है साइंस के क्षेत्र में, और ये आपका मिला है जोइता गुप्ता जी को। राइट आंसर क्या होगा, जोइता गुप्ता। जोइता गुप्ता जी को अभी हाल ही में डच नोबल पुरस्कार कहा जाने वाला स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में WHO पुरस्कार जीता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पुरस्कार जीता है। तो क्लाइमेट किस तरीके से हमारे लिए बिहेव कर सकता है, पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम है वन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ये अभी हाल ही में पुरस्कार जीती है। कौन सा पुरस्कार, WHO पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। WHO पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है, वेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में WHO जिसका मुख्यालय जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, वहीं पर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य महासभा हो रही थी, वहीं पर हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में इसको पुरस्कार दिया गया है। और ये एक शॉर्ट फिल्म है जो राजस्थान की वंदिता सहारिया ने बनाई है। किसने बनाई है, राजस्थान की वंदिता सहारिया ने। एक पुस्तक आई रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। रिबेल्स अगेंस्ट राज यानी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुस्तक किसने लिखी है, प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी किताब है, रिबेल्स अगेंस्ट राज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र गुहा द्वारा। इसे अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया, ऐतिहासिक जीवनी है। £5,000 जो है वो इसमें इनको दिए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, अभी हर कुछ आ जाएगा। २०२१ का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर। पिछली बार किसको मिला था, शेख मुजीबुर रहमान को। तो संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि गांधी शांति पुरस्कार इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा इन्होंने लगभग 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें 16.21 करोड़ श्रीमद्भगवद गीता है। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। गीता प्रेस से मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रेस अवार्ड याद आ गया, तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। इसको कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लीजिए कहीं पर।
चमेली देवी जैन अवार्ड 2022 का गया है धन्य राजेंद्रन को। ये जो भी महिला पत्रकार होती हैं उनको हर साल दिया जाता है। 2020 में दिया गया था नीतू सिंह को। 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है आरफा जौहरी को। और 2022 का धन्या राजेंद्रन को दिया गया है द न्यूज मिनट की। धन्या राजेंद्रन चमेली देवी जैन पुरस्कार याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मन बुक ट्रेड का पीस अवार्ड है, हर साल किसी न किसी पुस्तक को दिया जाता है। इस बार ये लेखक सलमान रश्दी को दिया गया है। इंग्लिश के ऑप्शन नौ। सलमान रश्दी को पिछले साल 2022 में एक हमला हुआ था जिसमें उनकी एक आंख चली गई थी। सलमान रश्दी को जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये उनको मतलब अपने पूरे साहित्य के दौरान दिया जाता है, मतलब साहित्य में जो उन्होंने काम किया है। इस बार सलमान रश्दी को मिला है, पिछली बार सरहिज जहादान को मिला था, 2021 में सिस्सी दगरम्बंगा को मिला था और उससे पहले अमर्त सेन को मिला था। तो जर्मन बुक ट्रेड पीस अवार्ड किसको मिला? सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी की दो किताबें काफी फेमस हैं, द सैटेनिक वर्सेस, कई बार पूछी गई है सैटेनिक वर्सेस किसकी किताब है, सलमान रश्दी की, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफी हमले होते रहते हैं। इस्लाम का थोड़ा सा उन्होंने मजाक बना दिया उसमें। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है 1981 में इसको बुकर प्राइज मिला था। और सलमान रश्दी की एक नई किताब अभी हाल ही में आई है, विक्ट्री सिटी 2023। विक्ट्री सिटी किसकी किताब है? सलमान रश्दी की, याद रखिएगा। बुक एंड ऑथर में हम फिर से कवर करवा देंगे आपको। एक ये स्लाइड है, इसको पूरा कवर कर लो। इसमें जितने भी लिटरेचर प्राइज है वो आपका काम खत्म कर देंगे, जितने भी साहित्य से जुड़े हुए पुरस्कार है वो आपको बता देंगे। बुकर इंटरनेशनल इस बार गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। ये बुल्गेरियन राइटर है, उनकी ट्रांसलेटर है एंजेला रॉडेल। एंजेला रॉडेल को टाइम सेल्टर के लिए इस बार बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया। बुकर इंटरनेशनल प्राइज, किसी भी भाषा में आप पुस्तक लिखें और उसे जब अंग्रेजी में प्रकाशित करवाते हैं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवा देते हैं, तो उस पुस्तक को दिया जाता है। जबकि बुकर जो है केवल बुकर प्राइज, जो अंग्रेजी भाषा में किताबें लिखी जाती उनको दिया जाता है। बुकर 2022 का द सेवन मूनस ऑफ माली अल्मीडा, ये श्रीलंका के राइटर हैं सेहान करुणा तिलका को मिला था। इस बार लिटरेचर साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नेक्स को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार मलेरी ब्लैकमैन को मिला है। इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज अवार्ड अब्दुल जलील अल सिंघशे को मिला है। बुकर प्राइज 2021 मिला था द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को। बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2022 मिला था गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। बुकर इंटरनेशनल 2021 यानी उससे भी पहले एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप को। वीमेन अवार्ड फॉर फिक्शन, महिलाओं को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इस बार मिला है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस रूथ ओजेकी को। वीमेन अवार्ड फॉर फिक्शन 2021 मिला है सुसाना क्लार्क को द पिरानीसी के लिए। साहित्य अकेडमी हिंदी इस बार गया है बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द। साहित्य अकेडमी अंग्रेजी का गया है अनुराधा राय ऑल द लिप्स वी नेवर लिफ्ट। 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए। 31वां व्यास सम्मान 2021 गया था अजगर वजाहत को महाबली के लिए। व्यास सम्मान 2020 गया था शरद पगारे को पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 गया है शिव शंकरी जी को सूर्य वंशम तमिल भाषा में। सरस्वती सम्मान 2021 गया था रामदर्श मिश्रा मैं तो यहाँ हूँ हिंदी भाषा का। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले सनातन मराठी के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें 2022 में दामोदर मौजे को दिया गया, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को मिला था, असमी भाषा के लेखक थे ये, जो अब जब ही हाल ही में इनका देहांत हो गया नीलमणि फूकन का। एजू थचान पुरस्कार केरला साहित्य द्वारा दिया जाने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इस बार सेतु माधवन को दिया गया है। 2021 में पी वलसाला को दिया गया था। जेसीबी लिटरेचर प्राइज खालिद जावेद को दिया गया है पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। और 2021 में एम मुकंदन को दिल्ली एस सोलिलोक्वी के लिए। तो ये जो आपकी स्लाइड है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं बड़ा निराश हूं, मैं क्लास बंद कर दूंगा यार।
बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, कितने कम लोग हैं यार। अगला, लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको दिया गया? 45th यूरोपियन एसे प्राइज किसको दिया गया है? अरुंधति राय को। अरुंधति राय को आजादी नाम की उनके एक निबंध संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अरुंधति राय को यूरोपियन एसे प्राइज दिया गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उनकी किताब है जिसको बुकर प्राइज मिला था 1997 में, 1997 में इसको बुकर प्राइज मिला था। तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको मिला? अरुंधति राय को। अरुंधति राय की जो किताबें हैं उनमें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आजादी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो काफी ज्यादा चर्चित रही। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड 1988, बुकर प्राइज 1997 में फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, सिडनी प्रीज प्राइज 2004 में, ऑरवेल अवार्ड 2004 में और नॉर्मन मेलर प्राइज 2011 में। ये अरुंधति राय के पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किसने अपने लघु कथा संग्रह कोटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा की श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इस बार हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार जो गया है साहित्य अकेडमी का, वो सूर्यनाथ सिंह को गया है, उनकी किताब है कौतुक ऐप। जबकि अंग्रेजी भाषा का यह पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है, सॉरी सुधा मूर्ति को दिया गया है। सुधा मूर्ति की किताब है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। जबकि हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार मिला है चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को। ये युवा साहित्य पुरस्कार है और वो बाल साहित्य पुरस्कार है। सूर्यनाथ सिंह का कौतुक ऐप हिंदी के लिए, सुधा मूर्ति का ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज अंग्रेजी के लिए, युवा साहित्य पुरस्कार में चांदपुर की चंदा हिंदी के लिए अतुल राय की किताब। इसके अलावा प्रिया एएस को केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया है चिल्ड्रन लिटरेचर में। प्रिया एएस को नाम याद रखिए, केरल से है, मलयालम भाषा में। 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो इनकी तस्वीर आप गौर से देखिए, ये कौन है? ये है अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं और अभी हाल ही में इन्होंने प्रधानमंत्री के इजिप्ट दौरे के दौरान उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, जिसे किसको सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। ये इनका 13वां इंटरनेशनल अवार्ड। आगे, कार्बन कटौती की श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? यह है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। किसने जीता है? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। ये पुरस्कार मियामी में प्रदान किए गए थे। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्म डी ऑर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ये पाल्म डी ऑर यानी बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मान सकते हैं। माइकल डगलस, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये माइकल डगलस की है, साथ में उनकी पत्नी है। तो माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डी ऑर से सम्मानित किया गया है। ये सब अभी फिल्म अवार्ड सारे आ जाएंगे एक एक करके। ऑस्कर की बात एक बार फिर से कर लो ताकि कई बार आएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार ऑस्कर का बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गया था मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को द व्हेल के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार डेनियल कॉन और डेनियल सिनर्ट को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार गया था नाटू नाटू। नाटू नाटू किसका गाना है? एम एम कीरावनी का सॉन्ग है जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का स्कोर दिया गया था। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए गई थी द एलिफेंट विस्पर्स, इसको डायरेक्ट किया था गुनीत मोंगा ने, प्रोड्यूस किया था गुनीत मोंगा ने द एलिफेंट विस्पर्स। ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री है जिसको अवार्ड मिला। निम्नलिखित में से कितने फिक्शन की कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार मिला? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, लेकिन फिक्शन की कैटेगरी में किसको दिया गया यानी जिन्होंने काल्पनिक तरीके से यहाँ पर स्टोरी राइटिंग की है? तो नाम है बारबरा किंग सॉल्वर एंड हर्नान डियाज। नाम क्या होगा? बारबरा किंग सॉल्वर और हर्नान डियाज को इस बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
लॉरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया? लॉरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, विकल्प देखिए, तस्वीर देखिए, यह है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को इस बार लॉरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और इसके अलावा फुटबॉल टीम की ओर से भी मिला है, जबकि लॉरियल स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है सैली एन फ्रेजर प्रीस को। सैली एन फ्रेजर प्रीस जो है जमैका की एथलीट है, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? सैली एन फ्रेजर को, जबकि मैन का पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? सोच के बताइए। ये है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? यह 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड था योगी आदित्यनाथ जी को। 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया? ये एक सम्मान है। किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पर चित्रित किया गया टाइम पत्रिका के? दीपिका पादुकोण। राइट आंसर इज दीपिका पादुकोण, द ग्लोबल स्टार दीपिका पादुकोण इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू द बॉलीवुड। बॉलीवुड को विश्व में दिखा रही है, इसलिए इनको दिया गया है। टाइम के कवर ऑफ द ईयर यानी मैन ऑफ द ईयर के रूप में केवल एक बार एक ही व्यक्ति लाए गए हैं 1930 में। जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर निकालता है ना, महात्मा गांधी 1930 में आए थे, उसके बाद से कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति टाइम के कवर पेज पर नहीं आया है एज ए पर्सन ऑफ द ईयर। ये टाइम के कवर पेज अलग होता है, और एक द पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो टाइम देता है वो अलग होता है। वैसे कवर पर इतने सारे भारतीय आ चुके हैं। पुणे में भारत के पहले एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स में ये अवार्ड दिया जाता है, और इस साल ये दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। गोविंद स्वरूप जी को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। किसको? प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को। जयंत विष्णु नार्लिकर को यह अवार्ड दिया गया। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित? देखिए, तीन लोग हैं जो फ्रांस के नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए। एक है पीरामल ग्रुप की सविता पीरामल, शशि थरूर और एन चंद्रशेखरन। सबसे लेटेस्ट में सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन, फिर इससे पहले शशि थरूर आएंगे, फिर उससे पहले स्वाति पीरामल को, पीरामल ग्रुप की। तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलन ने उनको यह सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? साउथ कोरिया, फिजी, तुर्की, ब्राजील। राइट आंसर है फिजी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी फिजी गए थे, उसके अलावा आपके पापुआ न्यू गिनी भी गए थे। तो दोनों ही देशों में इन्हें अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। फिजी के प्रधानमंत्री सितिनी रापुका ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, और पापुआ न्यू गिनी ने भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये प्रधानमंत्री को अब तक जितने भी अवार्ड मिले उनके बारे में है, जितने भी उनको ड्यूरिंग पूरा जब से वो आए हैं सत्ता में तब से जितने अवार्ड मिले हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सबसे राज्य श्रेणी में कौन से राज्य को मिला? यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, चौथा है नेशनल वाटर अवार्ड, पहले नंबर पर आया है मध्य प्रदेश। राज्य की कैटेगरी में मध्य प्रदेश है, जिले की कैटेगरी में उड़ीसा का गंजम जिला, पंचायत की कैटेगरी में तेलंगाना का भद्राद्री कोठागुडेम की जगन्नाथपुरम पंचायत है। शहरी स्थानीय निकाय में चंडीगढ़ नगर निगम, और संस्थागत श्रेणी में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है कैंपस। तो ये अलग अलग कैटेगरी में दिए हैं। राज्य में मध्य प्रदेश को मिला है चौथा जल अवार्ड, जिले में गंजम को उड़ीसा का, जगन्नाथपुरम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जल पुरस्कार में, चंडीगढ़ नगर निगम सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय जल पुरस्कार में, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नगर निकाय उसमें आपका इंस्टीट्यूट कैटेगरी।
जॉर्जी गॉस्पोडिनोवो और एंजेला रोडेल को किस उपन्यास के लिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया? टाइम सेल्टर इस क्लास की लोगों को जरूरत नहीं है। बाय बाय। चलो फिर से शुरू करते हैं। टाइम सेल्टर, टाइम सेल्टर जो है ये जॉर्जी गॉस्पोडिनोवो हैं और ये बुल्गेरियन राइटर हैं, इनकी भाषा जरूर याद रखिएगा। और एंजेला रोडेल ने क्या किया है, इसको ट्रांसलेट किया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये। इसे पहले मैन बुकर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे बुकर प्राइज कर दिया क्योंकि मैन ने अपना क्या कर दिया था, स्पॉन्सरशिप हटा लिया था। तो ये है टाइम सेल्टर, एक हॉस्पिटल की इसके अंदर कहानी है। इन ए फ्री स्टेट 1971 में बुकर प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे बी एस नायपाल। 1997 में मिला था अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इससे पहले 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा को द व्हाइट टॉगर के लिए। इसके अलावा अभी तक और किसी को बुकर प्राइज नहीं मिला है, जबकि अभी इससे पहले वाला बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो गीतांजलि श्री को मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ये फिर से वही स्लाइड है, आईफा अवार्ड के बारे में बातचीत करते हैं। आईफा का 23वां संस्करण जो है अभी हाल ही में दुबई के अबू धाबी में आयोजन हुआ। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। अभिनेता ऋतिक रोशन को आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्रम वेदा के लिए दिया गया था। दूसरा वाला करेक्ट है, गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म तो मिला है लेकिन वो अजय देवगन द्वारा कृत नहीं है, तो ओनली टू विल बी द राइट आंसर। केवल और केवल दो सही होगा, ओनली टू सही होगा इसमें। आईफा अवार्ड का 23वां संस्करण दुबई के अबू धाबी में हुआ। अजय देवगन और तब्बू स्टार फिल्म दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म गई है दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर माधवन को मिला है रॉकेटरी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल के लिए विक्रम वेदा के लिए ऋतिक रोशन को। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल ब्रह्मास के लिए मौनी राय को। इतना ही याद रखना पर्याप्त रहेगा, दृश्यम 2 याद रखिएगा फर्स्ट फिल्म, बड़ी बेस्ट फिल्म के रूप। 29 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजे को। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कब शुरू हुआ था, 1965 में पहली बार दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरुप को। 1965 में पहली बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरुप को। और पहली बार 1976 में पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो थी आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की जो 22 भाषाएं हैं अनुसूची में प्लस अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, यानी ये 23 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए जो है वो विजेता को प्रदान किए जाते हैं। कितने लाख रुपए प्रदान किए? 11 लाख रुपए। तो ये जो दामोदर मौजे इनको अभी हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
दामोदर मौजे 29 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2008 में रवीन केलकर के बाद ये प्राप्त करने वाले दूसरे गोवा वासी हैं। तो ध्यान रखिए गोवा से हैं, क्योंकि पिछली बार एसएससी ने प्रश्न पूछ लिया था कि नीलमणि फूकन जो है वो किस भाषा के लेखक थे। तो नीलमणि फूकन की जगह आप इनको याद रखिएगा, इनको 57वां ज्ञानपीठ पर, ये कोंकणी भाषा के लेखक है। किस भाषा के लेखक है? कोंकणी भाषा के। और जो आपके नीलमणि फूकन थे वो असमिया भाषा के लेखक थे। वो किस भाषा के लेखक थे? असमिया भाषा के। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने टाइम पत्रिका 2023 की टाइम 100 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये ऑनर है एक तरह का। तो टाइम 100 की शीर्ष सूची में प्रभावशाली व्यक्तियों में शाहरुख खान जो है वो आए थे पहले नंबर पर। प्रिंस हैरी को भी पीछे छोड़ दिया। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में, स्टैटिक्स के क्षेत्र में, तो यह है सी आर राव। पद्म विभूषित सी आर राव को भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2000 बनाया था, क्योंकि पीसी मालनोबिस का जन्मदिन होता है। आगे, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जो है वो नंदिनी गुप्ता जी को पहनाया गया। इस बार फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड के लिए ये जाएंगी। भारत की बात करें तो भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड जीता है। 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। मिस यूनिवर्स हम 3 बार जीत पाए हैं, 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाथ संधू। मिस अर्थ केवल और केवल एक बार हमें मिल पाया है, वो है निकोल फारिया द्वारा 2010। तो ये मिस वर्ल्ड और ये सारे प्रोजेक्ट हो गए। इसके अलावा इस बार की जो आपकी 70वीं मिस वर्ल्ड है उनका नाम है कैरोलिना बिलावस्का। अभी भारत आई थी, ये पोलैंड की रहने वाली है, जबकि यूनाइटेड स्टेट जो कि जो है वो आर बॉनी गैब्रियल जो है वो 2022 में मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू के बाद, आर बॉनी गैब्रियल। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 17 से 21 अप्रैल तक। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह में जो पुरस्कार दिए गए उनमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया है मुलसोक कर्नाटक, नगोपा मिजोरम, मिलकावती उत्तर प्रदेश, जबकि सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार गया है हिंजलीकट उड़ीसा, थिम्पापुर तेलंगाना और कुमार घाट बाग त्रिपुरा। सबसे जिला पंचायत गंजम उड़ीसा। सबसे जिला पंचायत गंजम उड़ीसा। ये उड़ीसा गंजम नाम बहुत बहुत सुनने को आता है ना, गंजम। ठीक है, थैंक यू सो मच सुशांत, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग। पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को किस देश के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मान मिला है? एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर रही है, उन्हें जर्मन द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द मेरिट से। पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ग्रैंड कास पुरस्कार राष्ट्रपति फ्रैंक कल्टर स्टीनमेयर ने उन्हें सौंपा है। अच्छा, वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर कौन है? मूड मेरा थोड़ा सा अपसेट है। यार बहुत मेहनत लगती है, लिटरली इस हद तक मेहनत होती है कि अगर ये मैं इतनी मेहनत में सही किसी को ट्यूशन भी पढ़ाऊं ना तो इससे ज्यादा कुछ चीजें हो जाए हमारे पास। जर्मन के चांसलर कौन है वर्तमान समय? ओलाफ स्कोल्ज, वेरी गुड, राइट आंसर इज ओलाफ स्कोल्ज। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2003 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताइए, ऑप्शन पढ़िए, बताइए। नरेंद्र मोदी, बालकृष्ण दोषी, जैके हुसैन या आशा भोसले? राइट आंसर है आशा भोसले। पिछले बार पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है? नाम है उनका दीपिका मिश्रा।
दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, भारतीय सेना की महिला बनी है, वायुसेना की। वीरता पुरस्कारों की बात करें तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, जो अब तक केवल 21 लोगों को दिया गया है। पहला वीरता परमवीर चक्र आपका दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, अंतिम दिया गया था विक्रम बत्रा को। महावीर चक्र 213 लोगों को दिए गए हैं, 1329 लोगों को वीर चक्र दिए गए हैं। ये युद्ध काल के पदक है, जब देश युद्ध में होता है, और ये शांति काल के पदक है। शांति काल में अशोक चक्र की जो गरिमा है वो परमवीर चक्र के बराबर मानी जाती है, कीर्ति चक्र आपका महावीर चक्र के बराबर माना जाता है, और सौर चक्र आपका वीर चक्र के बराबर माना जाता है। अशोक चक्र में केवल एक ऑरेंज लाइन होती है, कीर्ति चक्र में दो ऑरेंज लाइन होती है, जबकि सौर चक्र में तीन ऑरेंज लाइन होती है। ये ध्यान रखेंगे, ये शांति काल के पदक है, ये युद्ध काल के पदक। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो फसल बीमा योजना के लिए सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। फसल बीमा योजना जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, ताकि किसानों की जो फसल खराब हो सकती हो जाती है उसका प्रीमियम वगैरह भर के सरकार उनको मदद दिला सके। मारियोपोल अस्पताल हमले की एपी की तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया है। ये हमला कहाँ हुआ था? मारियोपोल अस्पताल है, उस पर एक बम गिर गया था और उसमें एक गर्भवती महिला को लेके जाती हुई एक तस्वीर है, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमला यूक्रेन में हुआ था। ये हमला कहाँ पर हुआ था? यूक्रेन में। रशिया ने ये हमला किया था और इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला था। इस फोटो को लिया था एवगेनी मलोलेटक ने इस पुरस्कार, इस फोटो को लिया था। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से अलेजेंड्रा कोरैप जो है मंडरूक की है। ये तापोजास नदी बेसिन सोयाबीन निर्यात सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया गया था, गोल्डमैन पर्यावरण प्राइज जो है 2023 में छह लोगों को दिया गया है। जाफेर किजील काया तुर्की के हैं, अलेजेंड्रा कोरैप ये ब्राजील की हैं, चिलकेवा मुम्बा जाम्बिया के हैं, टेरो मुस्तोनिया फिनलैंड के हैं, डिलिमा सिलाली इंडोनेशिया की, डायना विल्सन यूनाइटेड स्टेट। तो गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज जो है ये कैलिफोर्निया में एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। इस बार ब्राजील की एलेजेंड्रा कोरैप के सहित 6 लोगों को दिया गया है। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसे सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से उनका नाम रख दिया, सम्मान दिया, एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया? ऐसा कौन सा स्टेडियम है जिसे वो है शारजहां स्टेडियम। शारजहां में एक बार सचिन तेंदुलकर ने मैच खेला था, क्या गजब मैच खेला था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का भी नाम उनके नाम पर रखा गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का नाम भी जो है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया, दिया बहुत पहले गया था बट मिला नहीं था, अब इनको फिजिकली ये अवार्ड दे दिया गया है। उन्हें 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? 1959 का। तिब्बती दलाई लामा जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और उन्हें 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें 1959 में चुना गया था लेकिन दे नहीं पाया गया था, लेकिन अब हाल फिलहाल उन्हें दे दिया गया है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1957 से दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप और फिर बाद में 2009 के बाद से इसको अनकैटेगराइज कर दिया गया, यानी संसार की सेवा के लिए दिया जाता है। इस बार का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 है वो 4 लोगों को दिया गया, सौथेरा चिम, तदासी अटोरी, बर्नाडेट्टे जे मैड्रिड और गैरी बेंचिप, ये फ्रांस इंडोनेशिया से हैं। इन 4 लोगों को इस बार का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दलाई लामा की बात करें तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये दलाई लामा की बुक है जो पेपर में पूछी गई थी। इसके अलावा दलाई लामा की है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय जो उन्होंने डेसमंड टुटू के साथ लिखी है, फ्रीडम इन एग्जाइल एंड हाउ टू प्रैक्टिस द वे टू मीनिंगफुल लाइफ, ये भी दलाई लामा की कुछ किताबें हैं। ठीक है,
जिनमें से द बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ इंक्रीमेंट द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट एंड फ्रीडम इन एग्जाइल, ये दलाई लामा की प्रमुख पुस्तकें हैं। जब लोग पुस्तकें करेंगे तो इसको देख लेंगे। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दे दिया गया, यानी ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया? तो ये आपको दिख रहा होगा, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो भारत की एक नई नवरत्न कंपनी बन गई है। भारत में वर्तमान समय में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो कंपनी बताई जा रही है वो महारत्न है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में 12 महारत्न कंपनियां हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आ गई है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 13 ऐसी कंपनियां हैं जो नवरत्न है। ये सारे नाम लिखे हुए, नाम एक बार आपको जरूर पढ़ने हैं, और ये दर्जा है क्यों नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। नवरत्न कंपनी दर्जा अगर किसी व्यक्ति किसी कंपनी को प्राप्त हो जाता है तो 1,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम चांसेस है, नेशनल फिल्म अवार्ड पूछा जाता है। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है, और अभी हमने जो देखा था दृश्यम वाला वो आईफा था, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट एक्टर लीड रोल है बधाई दो के लिए राजकुमार राव, पता नहीं क्यों दे दिया, मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी फिल्म। बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट, ये फिल्म मैंने देखी नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट ही नहीं पसंद है इस तरीके के। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में बद के लिए संजय मिश्रा है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना तीन ही चीज करिए, गंगूबाई काठियावाड़ी, राजकुमार राव और आलिया भट्ट। 68वें फिल्म फेयर, हाँ ये जरूर कर लीजिए, 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेस्ट पिक्चर फिल्म मिली थी सुर्राय पोटरू, अभी आएगा क्वेश्चन आएगा इसका। बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड अच्छी, बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी गई थी इसमें, बेस्ट एक्टर सूर्या को सुर्राय पोटरू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बाला मुरली को सुर्राय पोटरू के लिए, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, ये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन अयप्पन कोशियम के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के विजेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार, अब ये तब छोड़ के पता नहीं क्या फालतू फालतू चीजें पूछते रहते हैं, कौन ऐसा है जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, चौथी बार दिया गया है? तो इस बार लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम और उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और आपका संस्थागत श्रेणी में, संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए मिलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए मिलते हैं, इस बार दोनों संस्थागत ही मिले हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है। तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार गया है उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट को। अभी तक अवार्ड की बात की जाए तो 2023 का दो लोगों को उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उड़ीसा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, और 2022 का प्रोफेसर विनोद शर्मा गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, 2021 का डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो आपको 2022 वाला याद रखना है और 2023 वाला, 2022 में प्रोफेसर विनोद शर्मा और GIDM यानी गुजरात को, इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है, संस्थागत श्रेणी में ही दिया गया है, दो जगह गया है, उड़ीसा को गया है और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को गया है, ठीक है याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ये पिचगर आर्किटेक्चर पुरस्कार अभी आ जाएगा। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है, यह समारोह किस देश में आयोजित किया जा रहा था? अब ये एक ऐसा अवार्ड है जो आप शायद ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा ये कौन सा अवार्ड है, तो ये वैसा ही पुरस्कार है। इसको देखिए, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, ये कहां पर आपका आयोजित किया जा रहा था? द गोल्डन सिटी गेट अवार्ड, सिल्वर स्टार भी मिला है और उसे गोल्डन स्टार भी दिया गया है। तो ये जो प्रोग्राम था ये आपका बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है, ये कहां लिखा है जर्मनी, कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, जर्मनी लिखा तो है, जर्मनी में इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड ITB बर्लिन में आयोजित एक गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्ड और सिल्वर स्टार हासिल किया है। इसे टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
32वां व्यास सम्मान किसे मिला, ये तो पक्का याद होगा, अभी बताए, शरद पगारे, ज्ञान चतुर्वेदी, नासिरा शर्मा, अजगर वजाहत। तो 32वां व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, किसके लिए, पागलखाना के लिए। ये देख लीजिए, व्यास सम्मान की बात करें तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। 4 लाख रुपए इसमें इन्हें विजेता राशि होती है, कितने रुपए होती है, 4 लाख रुपए। पहला सम्मान मिला था रामविलास शर्मा, किसको मिलेगा, हिंदी भाषा में लिखी गई किसी भी कृति को। ये केवल किस भाषा में दिया जाता है, केवल हिंदी भाषा में दिया जाता है। रामविलास शर्मा को मिला था पहला 1991 में, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा, ठीक है, पहला 1991 में। 32वां व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जा रहा। किस भारतीय फिल्म के गीत को सबसे मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड मिला, तो ये तो पता ही आपको, ट्रिपल आर का नाटू नाटू नाटू, है ना, तो नाटू नाटू अवार्ड के लिए ट्रिपल आर को इस बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है, जबकि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड गया है द एलिफेंट विस्पर्स को। तो ट्रिपल आर का जो है MM कीरावानी का सॉन्ग है और गुनीत मोंगा द्वारा डायरेक्टेड की गई द एलिफेंट विस्पर्स, याद रखिएगा, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, 2 अवार्ड ऑस्कर में इस बार हमारे पास आए। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को गया, ये आप बताओ। आई नीड सम वाटर, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए, ये जो देख रहे हैं आप मिशेल यो हैं, मिशेल यो हैं साउथ कोरियन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, साथ ही इस फिल्म के ह्यू कॉन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला था। ऑस्कर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पूछने लगा है तो उसका थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें। बेस्ट फिल्म कौन सी थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर, मैं बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, मिशेल यो बेस्ट एक्ट्रेस, की हु कुआन इनके पति बने हुए हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। मैंने ये फिल्म देखी है बट मेरे बाउंस मार गई, कुछ समझ में नहीं आया, एकदम टप्पा खा के निकल गई। डेनियल क्वान को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर आपका ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है, ट्रिपल आर वाला कहा गया नाटू नाटू, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है, MM कीरावानी का सॉन्ग है। 94 ऑस्कर मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बट बाई चांस अगर पूछ जाए तो याद रखिएगा, पिछली बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को गया था, कंटाप मार दिया था इन्होंने वहां पे, कोई जब चल रहा था वाला थप्पड़ नहीं मार दिया था, याद होगा वो घटना घटी थी। बेस्ट एक्ट्रेस कहां गई, है नहीं बेस्ट एक्ट्रेस, याद भी नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, इसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना कि इस बार 95 ऑस्कर हो गया है। अच्छा एक चीज और, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए गए, दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट फिल्म दी गई थी कश्मीर फाइल को, फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, क्रिटिक बेस्ट एक्टर भेड़िया के लिए वरुण धवन, और सिटी बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन, और बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की। ये फिल्मों के अवार्ड है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, आशा पारिक जी को, आशा पारिक, ये तो याद ही होगा ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारिक को। आगे आते हैं, तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए इस बार का सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान जो है भारत का सबसे महंगा सम्मान, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, कितने लाख रहे, एक इकाई ढाई झगड़ा आ जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1991 से यह भी दिया जा रहा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, हरिवंश राय बच्चन। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में, 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान। ये किसमें किसमें दिया जा सकता है, ये संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में और 2 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जा सकता है। अच्छा ऐसा कौन सा साहित्य अवार्ड है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी पोस्टमोस्टली नहीं दिया जाता, मरने के बाद नहीं दिया जाता, ध्यान रखें, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो नहीं दिया जाता। शिवशंकरी को सूर्य वंशम के लिए, सूर्य वंशम के लिए ये अवार्ड दिया गया है सरस्वती सम्मान, सूर्य वंशम के लिए, ठीक है, सूर्य वंशम याद रखना। आगे, स्काईट्रेक ने किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है,
दिल्ली एयरपोर्ट को। दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ, ओवरऑल 36। बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट इस बार पहले नंबर पर है, दोहा का हमाद हवाई अड्डा दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर का चांगी पहले और दोहा का हमाद दूसरे नंबर पर। पिछली बार वाली रैंकिंग बड़ी चेंज है, पिछली बार बेस्ट हवाई अड्डा बेंगलोर वाला था भारत में, इस बार दिल्ली में, और इंटरनेशनली बेस्ट हवाई अड्डा हमाद था और दूसरे नंबर पर चांगी था। ठीक है, याद रखिए चांगी जो है सिंगापुर का है और ओवरऑल रैंकिंग दिल्ली एयरपोर्ट की 36 है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है, ये बहुत आसान प्रश्न हो गया। मुझे ये बताओ कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, 1935 में। पहले गवर्नर थे ऑडबॉर्न स्मिथ, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति रहे हैं पेनिगल रामाराव, लगभग 7 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे। फिलहाल ये 25वें गवर्नर हैं, इनसे पहले अर्जित पटेल थे, जिनको अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इस बार 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिए गए। एसएससी का ऑल टाइम फेवरेट कला निधि पुरस्कार, एसएससी साउथ के पुरस्कार जरूर पूछता है, मद्रास आर्ट एकेडमी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार कर्नाटिक म्यूजिक में दिया जाता है। म्यूजिक दो टाइप के हैं इंडिया में, एक इंडियन म्यूजिक है जिसे हिंदुस्तानी म्यूजिक कहा जाता है, और एक कर्नाटिक म्यूजिक है जिसे साउथ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। तो इंडियन म्यूजिक में, साउथ इंडियन म्यूजिक में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो संगीत कला निधि पुरस्कार है, वो इस बार बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था। तो बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार 2021 में दिया गया था। प्रश्न यही बनेगा कि बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, जिन्हें अभी हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया, ऐसे ही पूछेगा। तो बॉम्बे जयश्री को पद्मश्री 2021 में दिया गया था। इससे पहले वाला दिया गया था लालगुड़ी श्री जीजेआर कृष्णन एंड श्रीमती विजय लक्ष्मी को। पहला संगीत कला निधि पुरस्कार 1929 में श्री टीवी सुब्बाराव विद्वान टीएस सेवेशा आयर को दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल दिया है। आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अमेरिका सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ह्यूमैनिटी मेडल, ये मिला है इस बार मिंडी कैलिंग। इस बार किसको दिया गया है, मिंडी कैलिंग को। इस बार किसको दिया गया है, मिंडी कैलिंग को। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहानीकारों की नई पीढ़ी और नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल दिया है मिंडी कैलिंग को। आप सिर्फ और सिर्फ अभी वही चीज फोकस करो जो आपके सामने है, दुनिया भर की चीजें मत सोचो। अभी हाल ही में गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे दिया गया, गणित का नोबल माना जाता है, कार्लोन आर बर्तोजी, मॉर्टन मेल्डन, लुइस कैपरेली या के बेरी सापले। तो राइट आंसर है लुइस कैपरेली। लुइस कैपरेली को इस बार एबल पुरस्कार दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। एबल जी के नाम से 7.5 मिलियन क्रोनर पुरस्कार दिए जाते हैं, इस बार लुइस कैपरेली को टोपोलॉजी के लिए दिया गया है। हाल फिलहाल बात करें तो 2022 में डेनिस पी सुलिवन को दिया गया था, 2023 में लुइस कैपरेली को दिया गया है, 2021 में दो लोगों को मिला था, एवी विक्टरसन और लास्लो लोवास को। इससे ज्यादा पुराना याद रखने की जरूरत नहीं। केरल के राज्यपाल ने केरल के सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से किसको सम्मानित किया है। एमपी वासुदेवन नायर, एमपी वासुदेवन नायर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मलयालम लेखक है, उनको अभी हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया, केरल ज्योति पुरस्कार से। मार्च 2023 में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया। देखिए मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे करंट अफेयर्स हैं, आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। ऑलरेडी हम 1 घंटा हो चुका है और अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये है तपन सैकिया, डॉक्टर तपन कुमार सैकिया, प्रसिद्ध असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा 21 व्यक्तित्वों को नागरिक पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से असम वैभव जो है डॉक्टर तपन कुमार सैकिया को कैंसर देखभाल के लिए दिया गया, ऑन्कोलॉजिस्ट है। वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने आलिया मीर को वन्य जीव सम्मान प्रदान किया है, वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो ये बिल्कुल सही है कि आलिया मीर जी को अभी हाल ही में वन्य जीव पुरस्कार दिया गया है, और ये दोनों ही कथन जो है वो हमारे एकदम ठीक है। ये आलिया मीर है जम्मू कश्मीर से वन्य जीव संरक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है। निम्नलिखित में से किस एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड, बच्चों के लिए अच्छा काम करने के लिए चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड दिया गया है तपोवन को। तपोवन कहां का है, ये असम का एक एनजीओ है, छात्र कल्याण मिशन के अंतर्गत तपोवन के नाम से जाना जाता है, चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर द्वारा तपोवन के संस्थापक
अध्यक्ष कुमुद कलिता को प्रदान किया गया। 29 जनवरी 2023 को FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए वी कार्तिकेयन पंडियन। क्यों किए गए? आपको याद है उड़ीसा में इस बार हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ। तो इस बार हॉकी वर्ल्ड कप जो जीता है वो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। इसका सफलतापूर्वक इन्होंने आयोजन करवाया, लगातार दो बार से हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हो रहा है, उसका सफलतापूर्वक आयोजन करवाया। इसलिए ये जो नवीन पटनायक जी के सचिव हैं कार्तिकेयन पंडियन, इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, कार्तिकेयन पंडियन। जनवरी 2023 में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला सेन वॉन पुरस्कार किसने जीता है? यह है उस्मान ख्वाजा। सेन वॉन का निधन हो गया था अभी हाल ही में, विश्व के बेहतरीन गेंदबाज थे वो, उनके नाम पर एक अवार्ड शुरू किया गया, उसका नाम है सेन वॉन पुरस्कार। ये इस बार उस्मान ख्वाजा को दिया गया, पहली बार उस्मान ख्वाजा, मतलब पहला ही पुरस्कार उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है उनको। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? निर्मला सीतारमन, मनमोहन सिंह, पीयूष गोयल, रघुराम राजन। मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिकी केज। दो बार ग्रैमी, तीन बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं रिकी केज जो है। इसका कंफर्म नहीं हो रहा मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, इसको देख लीजिएगा। रिकी केज जो है उनको अभी हाल ही में फिर से ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड जो है उन लोगों को मिलता है जो संगीत की दुनिया में बेहतरीन काम करते हैं, तो इस साल का ग्रैमी अवार्ड भी आपका रिकी केज को मिला है। कई सारे लोगों को मिलता है, उनमें से एक ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को भी मिला है। ग्रैमी अवार्ड की अगर हम बात करें विजेताओं की सूची, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो है लिजो, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरीज हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर लिजो अबाउट डेमनटाइन, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय, बेस्ट पॉप सोलो, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? राजा राम मोहन राय पुरस्कार पत्रकारिता के लिए इस बार मिला है एबीजे के प्रसाद, इनका नाम एबीजे के प्रसाद है, यानी एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद, एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को राजा राम मोहन राय पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को पीस प्राइज, ये जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज नहीं है, वो तो सलमान रश्दी, ये यूनेस्को पीस प्राइज है। तो यूनेस्को पीस प्राइज के किसको दिया गया है? एंजेला मार्केल को। क्यों दिया गया है? सीरिया से जो शरणार्थी भागकर जर्मनी पहुंचे थे उनको अच्छी तरह से अपनाने के लिए, उनको अच्छी तरह से संरक्षण देने के लिए एंजेला मार्केल को यह पुरस्कार दिया गया, यूनेस्को पीस प्राइज। अभी हाल ही में एंजेला मार्केल को जर्मनी द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी दिया गया था। आगे आते हैं, बाफ्टा अवार्ड की बात करते हैं। ब्रिटिश आर्ट एंड टेलीविजन फिल्म अवार्ड हैं ये भी, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर, ये तीन फिल्म अवार्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाते हैं। इसमें ऑस्टिन बटलर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, ये ऑस्टिन बटलर है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड बाफ्टा में 76वें बाफ्टा अवार्ड में ऑल क्विट ऑन वेस्टर्न फ्रंट को गया है। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड केट ब्लेंचेट को तार के लिए, लीडिंग एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को एल्विस के लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर छोड़ दो। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैरी कॉनन और बैरी क्योगन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, लाइक करते रहना बीच बीच में, मन करे तो। फरवरी 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? मदर लैंग्वेज अवार्ड, मदर लैंग्वेज अवार्ड जो है वो दिया गया है मादा वाडा नहीं, नीलेश देसाई और थल्लापिल प्रदीप में मुझे लग रहा है, महेंद्र कुमार मिश्रा। राइट आंसर है महेंद्र कुमार मिश्रा। ये अवार्ड बांग्लादेश द्वारा इनको दिया गया। भारतीय शिक्षा व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड सम्मानित किया गया। उन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बांग्लादेश के ढाका में ये पुरस्कार प्राप्त।
2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 2023 के मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं हरिपाल कृष्णन। हरिपाल कृष्णन को 2023 के मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन में फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? अंदाजा लगाइए। सूर राय पटरू, पाथेर पंचाली, हैदर या ट्रिपल आर मूवी? राइट आंसर है ट्रिपल आर। अगला SCA फिल्म अवार्ड ट्रिपल आर। SS राजामौली के निर्देशन में बनी ट्रिपल आर को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन। प्रवासी भारतीय अवार्ड की घोषणा की गई है, इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया था। कुवेना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भारत में मुख्य अतिथि थे। मोहम्मद इरफान अली भारत में मुख्य अतिथि। इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान 27 प्रवासियों को यह अवार्ड दिया गया। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किन किन को दिया गया है, नंबर याद रखिए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित हुआ था। गुएना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसमें आयोजित आमंत्रित थे। मोहम्मद इरफान अली इसमें आमंत्रित। ये रेफर लिस्ट दे दिए मैंने। किस राज्य ने अपने जग्गा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो उड़ीसा। जग्गा मिशन क्या है? जोगर जुग्गी झोपड़ियों से संबंधित एक मिशन है जिसको यूएन हैबिटेट द्वारा एक बार फिर से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2019 में भी इनको ये अवार्ड मिल चुका है। उड़ीसा का जग्गा मिशन यूएन हैबिटेट अवार्ड। पसाई द्वारा 5 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन बनाया गया? तो दिख रहा होगा आपको, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अभी हाल ही में इसी महीने में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत का पहला स्टेशन जिसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ था वो था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन बनाया गया। ईट राइट स्टेशन का मतलब ये है कि वहां पर खाना जो है वो आपको सारी सुविधाओं के साथ, स्वच्छता के साथ प्राप्त होगा। अच्छा, फसाई के वर्तमान समय में सीईओ अपॉइंट किए गए, कल हम लोग ने चर्चा किया था। फसाई के वर्तमान समय में सीईओ कौन है? लाइट चली गई है, मुझे इन्वर्टर में कम लाइट में काम करना पड़ रहा है। फसाई के सीईओ कौन है? गंजी कमलावी राव, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न। 80वें गोल्डन ग्लोब में सबसे गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म श्रेणी में कितने जीते? नॉन इंग्लिश फिल्म वो है अर्जेंटीना 1985। ये कौन सी बात हो रही है? गोल्डन ग्लोब की बात हो रही है। आइए गोल्डन ग्लोब को पढ़ते हैं। तो गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर रहा नाटू नाटू। ये लिखा किसने है? चंद्रा बोस ने। म्यूजिक है MM कीरावनी का। सिंगर है काला भैरव और राहुल सिपलीगंज। कोरियोग्राफी है प्रेम रक्षित की। डायरेक्टर है SS राजा। ये पूरी जानकारी नाटू नाटू सॉन्ग। बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा गई है द फेबलमैन्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है ऑस्टिन बटलर को फॉर एल्विस। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है केट ब्लैंचेट को फॉर तार। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म जिसके बारे में बात की गई थी अर्जेंटीना 1985। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंजेला बेसेट ब्लैक पैंथर के लिए वकांडा। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की हु क्वान को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये आपका क्या हो गया? गोल्डन ग्लोब हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका कौन सा अवार्ड हो गया? गोल्डन ग्लोब। अस्सीवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन हुआ बेस्ट पिक्चर गया आपका फेबलमैन्स को।
बेस्ट एक्टर गया एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड टार के लिए केट ब्लैंचेट को, और बेस्ट डायरेक्टर द फेबलमैन्स के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग को, बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज अर्जेंटीना 1985। गोल्डन ग्लोब जरूर याद रखिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी को इस पांच क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको गया? गोल्डन पिकॉक अवार्ड गया है जिंदल स्टील पावर। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हर कंपनी जब भी काम करेगी तो कुछ ना कुछ वो पर्यावरण का नुकसान करेगी, इसलिए हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ ना कुछ क्या करे, एक फंड में डाले जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जिंदल स्टील। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित एक डाक टिकट जारी कर रहा था? तो 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस होता है। श्रीलंका ने अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया 4 फरवरी। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया? वो है कृष्णा बाबी वाला। कृष्णा बाबी लाला को अभी हाल ही में मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड सम्मानित किया गया। कृष्णा बाबी लाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में बाबी लाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो इनको 2 अवार्ड मिले हैं। इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कृष्णा बाबी लाला। एक मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड है और एक इन्हें प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया था जो बाइडन द्वारा। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया? बहरीन का ISA अवार्ड फॉर ह्यूमन सर्विस किसको दिया गया है? वो है डॉक्टर संदीप रुइट। डॉक्टर संदीप रुइट को बहरीन का ISA अवार्ड दिया गया है। मोतियाबिंद परियोजना से संबंधित है और इनको ओपन सर्जरी मतलब कहीं अफ्रीका में कोई जाना हो खुले क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए इनको जाना जाता है। 22 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस घराने से है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे किराना घराना से, लखनऊ से बिलोंग करती है। किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है। 1991 में उन्हें संगीत नाटक पुरस्कार भी दिया गया था और इस बार उन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1,00,000 रुपए उन्हें प्रदान किए गए। किसे ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनियम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। किसको प्राप्त हुआ? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन, यानी कि इनकी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। ये 1 जनवरी 2023 में इनको प्रदान किया गया। जब एयरपोर्ट की बात की जाए तो मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, ये भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग एयरपोर्ट। ये भारत का पहला कौन सा एयरपोर्ट है? ग्रीन बिल्डिंग। अब अवार्ड की लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड आ रहे हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस बार 6 लोगों को दिया गया। ठीक है, पद्म पुरस्कार आप जानते ही, पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। दिलीप माल नोबिस समाजवादी पार्टी संस्थापक उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो पद्म विभूषण की बात करें तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन तबला वादक है, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स में, दिलीप महारनोबिस चिकित्सा के क्षेत्र में, श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव को समाज कल्याण या पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। 6 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो भी पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, खासकर पद्म विभूषण तो जरूर याद रखिए कि किसको दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया, ये पूछते हैं। जैसे दिलीप महालनोबिस का याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, SM कृष्णा का पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में और बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर क्षेत्र में। 9 लोगों को आपका पद्म भूषण दिया गया है। तो आज हम लोगों ने 2023 के कर लिए हैं। मुझे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा सा अपसेटनेस भी लग रहा है, तो पढ़ाने में उतना मजा नहीं आ रहा। इस क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मैं भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ज्यादा बचा नहीं है, आधे आधे घंटे की और बची है, तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर देते हैं, आज और कल। मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा, शायद मौसम की वजह से, या मैं कुछ एक्सपेक्ट करके आया था, वो चीजें नहीं हो रही है इस वजह से, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, मोरल डाउन हो जाता है अचानक से काफी मेहनत करने के बाद, ठीक है। कल करते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ भी रहे हैं, तो मैं बड़ा डिलेमा में फंस सा गया हूँ, असमंजस में हूँ, ना तो छोड़ते बन रहा है ना पकड़ते बन रहा है, तो थोड़ा बहुत इस वजह से कभी कभी मेरा माइंड जो है डिप्रेस सा फील करने लगता है। तो वो चीज़ अगर लेक्चर में भी जाएगी, आप तक पहुंचेगी, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। कल हम लोग करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, तबीयत भी सही नहीं है, ठीक है। इंडेक्स भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर।